हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज है 18 अप्रैल। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 18 अप्रैल को RPSC के द्वारा जो म्यूजिकल टीचर होते हैं, लेक्चरर, उनके टोटल पते 12 हैं। ठीक है, उनमें से सेलेक्ट कैंडिडेट किए गए हैं 11। इसमें से एक सीट खाली है और कैटेगरी वाइज भी सीट खाली गई हैं, जैसे हम देखेंगे अब। इसमें से टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, उनके रोल नंबर दिए गए हैं, टोटल 11 कैंडिडेट, जगह थी 12। जब RPSC का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 12 जगह थी। अब उनमें से देख लीजिए एक बार कट ऑफ कितनी गई है। अगर जनरल की बात करें तो जनरल में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उनके 450 में से, क्योंकि इनका पूर्णांक 450 का था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें से अगर 190 अंक आए हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इतने तक लिए गए हैं ऐसे बोल सकते हैं, तो ये दो गुना की कट ऑफ नहीं है, ये एक गुना की ही कट ऑफ है। क्योंकि मैं जब आपसे बोल रहा हूँ 12 पद थे, उनमें से 11 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, यानी ये वो कैंडिडेट हैं। अब इनको डॉक्यूमेंट डायरेक्टली चेक करवाने हैं और यही कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये दो गुना की नहीं है, एक गुना की कट ऑफ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 12 जगह हैं, 11 कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो कट ऑफ अगर बात करें कि कितनी परसेंट बन सकती है इसकी, तो 190/450 × 100 करेंगे तो समथिंग हो जाएगा ये 42%। आप ऐसे कह सकते हैं जनरल मेल और फीमेल की अगर परसेंट की बात करें तो 42% कट ऑफ गई है। EWS और OBC को ध्यान से देखें, इन दोनों में नॉट अवेलेबल रहे हैं, यानी कैंडिडेटों ने जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो भी पास नहीं कर पाए, तो इनमें तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं। इसके अलावा SC की कट ऑफ देख लीजिए, SC के 216 अंक, यानी आप ऐसे कह सकते हैं अगर इसकी कट ऑफ निकालेंगे ना तो सर्वाधिक कट ऑफ इसी की गई है, क्योंकि 216 अंक का मतलब हो जाता है समथिंग कट ऑफ हो जाएगी 48%। आप ऐसे बोल सकते हैं SC की कट ऑफ है वो 48% गई है, जो जनरल से अधिक है, वो भी 6% अधिक है। इसके अलावा ST की बात करें जनरल की, यानी जनरल से मतलब मेल से होता है, तो 168/450 × 100 करेंगी तो इसकी परसेंट निकल के आएगी 37%। ये कैंडिडेट टोटल कह सकते हैं जनरल, SC, ST केवल यही कैंडिडेट इस पेपर को पास कर पाए हैं, म्यूजिकल वाले को, यानी जो संगीत से संबंधित थे। टोटल 12 पद थे जिनमें से 11 पास किए गए, यानी यही सेलेक्टेड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसकी ये कट ऑफ रही है या क्वालिफाई मार्क्स रहे हैं, तो ये एक गुना की कट ऑफ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक गुना की कट ऑफ है। इसके बाद अब ये कहीं के और कोई कट ऑफ नहीं आएगी, इन्हीं के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो भी है ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।